नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। चोरों के हौसले बुलंद। बीती रात चोरों ने दो मकानों को बनाया अपना निशाना। बंद मकान से लाखों रुपए के नकदी और जेवरात चोरी। रात पुलिस गश्त न होने का दुष्परिणाम। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद के प्रतापपुर रोड के पास यदुवंश नगर की जीएस यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट के पद पर तैनात देवव्रत यादव की 9 दिन पूर्व पत्नी का निधन हो गया था। देवव्रत दूसरे घर में लेटे थे। मकान का ताला तोड़कर कर लाखों की जेवरात और नकदी अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। ताले टूटे पड़े थे। सूचना पर आसपास के काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई, जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी घटना उसी मोहल्ले के अजय कुमार के बंद मकान को शिकार बनाया। अजय कुमार पिता के बीमार होने पर गांव गए थे। उनके मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी सामान चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस पहुंच गई है। स्थानीय लोगों का कहना है पुलिस गश्त को नहीं आती, जिसका दुष्परिणाम है एक रात में दो घरों में चोरी हो गई। अजय कुमार, कनौज श्री ग्रंथी जी। क्या घटना हुई है आपके घर में? मुझे सूचना पहुंची, मेरे पड़ोसियों ने सुबह मुझे सूचित किया कि आपके घर का ताला टूट गया है। तो मैं तुरंत अपने घर पे आया तो मैंने देखा कि मेन गेट का ताला टूटने के बाद कमरे का ताला टूटा, उसके बाद पूरी सेफ तोड़ दी है और उसमें से मेरे बैंक के जरूरी कागजात, चेकबुक, ATM वगैरह और मेरी ID वगैरह और दो बैग और 30 से 40 हज़ार रुपये कैश और दो चैन और एक अंगूठी, यह सब ज्वेलरी गायब। देवदत्त जी, क्या घटना हुई है आपके? मैडम खत्म हो गई थी शनिवार के दिन जी। आज शनिवार को 9वां दिन है उसे। हम लोग उधर बैठा उठी करते तो उधर ही कहते थे, यहाँ से सामान सट्टा दो तो ले चंद जी, एक 23 ग्राम का कॉलर, 4 लेडी अंगूठी, 3 जेंट्स अंगूठी और कंधानी चूड़ियाँ और 2 चांदी के सिक्के 76,000-700 रुपये फीस के रखे थे अलमारी। कुछ सारा सामान चोरी कर ले गए, सारा सामान चोरी हो गया। कितने बजे हुआ ये जानकारी नहीं हो पाई? ये कोई जानकारी नहीं हो पाई, पत्नी कम हो गई।